स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह, फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। आप हेडिंग लिखिए कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे, कब माइनर प्रोडक्ट, एनोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट सब आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। और लास्ट में जाते जाते आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे आप कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो इसमें होता क्या है बच्चों, कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, मतलब बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को जब हम लोग ऑकर कराते हैं तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस मतलब ब्रेक करना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ओके। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, इसको देखिए। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ, ये सोडियम सॉल्ट की, एक्चुअली सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है। तो कई बार क्या होता है, ये सोडियम सॉल्ट बना के इलेक्ट्रोलिसिस दिया जाए, या कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले हमने NaOH से सॉल्ट बनाया और उसके बाद क्या किया, ये इलेक्ट्रोलिसिस किया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो RR बनता है एक, और एक CO2 बनेगा, इसको कहते हैं हम लोग एनोड प्रोडक्ट, ओके। और दूसरा इसमें बनता है बच्चों आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है एट कैथोड, ओके। ये आपके प्रोडक्ट हैं। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे रिएक्शन हो रही है वो देखिए। सबसे पहले तो ये RCOOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट और फिर ये बना देगा H2O, ओके। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं बच्चों तो ये ध्यान रखना कि ये हमारा कंटेनर है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया। तो इसके दो पार्ट हैं इस सॉल्ट के, एनायन और केटायन। तो यहाँ पे हमारा जो एनायनिक पार्ट है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे केटायन के नाम पे हमारे पास NH और H2O है। तो यहाँ पे H2O का क्या होता है, रिडक्शन होता है, H2O का रिडक्शन, और एनायन जो कार्बोक्स आपका ये जो आयन है जिसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ओके। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज़ एनोड एंड दिस इज कैथोड। ये ध्यान रखना हमने इलेक्ट्रिसिटी बाहर से अप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ सेल या इलेक्ट्रिक, जैसे भी आप अप्लाई करें। तो एनोड पे क्या होगा ये देखते हैं, एनोड पे बच्चों ये जो आपका जो आयन है एनायन, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लूज कर देगा। एनोड पे क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप कहोगे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, है ना। इसको अच्छे से भी बना सकते हैं, ये सेलल को मैं हटा रहा हूँ, है ना, इस सेलल तो बना ही लोगे। ये ध्यान रखना है कि ये जो सॉल्ट का जो केटाइनिक पार्ट है और एनायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड केटाइनिक पार्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वो उसका अट्रैक्ट करेगा ना यार, इसमें रटना क्या है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे किसी भी कीमत पर हो, सेल चाहे कोई भी हो, है ना, आपका गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कुछ भी हो भैया, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन, इसमें कोई इफ़र्ट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ओके। तो अब हम इसको हटा रहे हैं और इस रिएक्शंस को प्रॉपरली लिखते हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे इसमें एनोड, एनोड पे क्या हमने कहा कि ये जो आपका आयन है एनायन, है ना, ये जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब ये क्या होता है, यहाँ से CO2 बेताब है निकलने के लिए, तो दूसरा स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपका फ्री रेडिकल है यहाँ से CO2 उड़ जाएगा और R- फ्री रेडिकल बनेगा। वैसे यहाँ क्या बनता है बच्चों, इस तरह से बनता है, थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे एक बॉन्ड तो पहले से ही है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डंडी खींच देंगे, मतलब यहाँ से CO2 हम लोग, और चूँकि एंट्रोपी बढ़ रही है, गैस निकल रही है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। और आपका फ्री रेडिकल जैसे ही आया, फ्री रेडिकल की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, कॉम्बिनेशन एंड डिसप्रोपोर्शनेशन, ये मैंने बता रखा है आपको।
तो ये फ्री रेडिकल क्या होगा, कंबाइन होगा। आप कह सकते हो प्राइमरी वाले हैं तब तो आसानी से कंबाइन हो जाएंगे सर, सेकेंड टर्सरी वाले हैं तो डिसप्रोपोर्शनेट होंगे, तो हम लोग मोस्टली प्राइमरी ही लेते हैं। तो ये दोनों मिलके आरआर बनाएगा। अगर ये मान लीजिए आर पहले से ही मिथाइल फ्री रेडिकल है तो ये इथेन बनेगा, इथेन गैस होती है। तो एक बार जेई में क्वेश्चन आया है कि अगर हम यहाँ पे मिथाइल लेते हैं तो कितने नंबर ऑफ़ गैसेज बनती हैं, तो एक और दो गैस तो आपको दिख ही रही है, ये भी गैस बन जाती है। या अगर ब्यूटेन तक गैस ही होता है ना, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड होते हैं एल्केन्स। एक और रिएक्शंस होती है जो आपका आर डॉट है और ये जो आपका फ्री रेडिकल है, कहाँ गया ये भी तो कंबाइन कर सकते हैं। और उस समय क्या बनाएंगे, तो आप कहोगे उस समय जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। तो ये भी एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। जेई मतलब ये रटने वालों के लिए जेई नहीं होता, जो मग लेते हैं और घोंट लेते हैं ना उनके लिए आईटी जेई नहीं है। आईटी जेई क्या है, ये मैकेनिज्म में क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन किसके साथ क्या, किसको पता है, इसकी डीप एनालिसिस किसने बच्चे ने किया है, जिसने किया होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं किया होगा वो ठेंगा ले अपना मगे वहाँ बैठ के अब की तरह, उसका कुछ नहीं होने वाला है ना। तो ध्यान रखिएगा, एकदम इत्मीनान से समझिएगा, जो हमारे सिलेबस की रिएक्शंस हैं उसकी ए टू जेड डिटेल मैकेनिज्म आपको आईआईटी जेई अगर क्लियर करनी है और जेई मेन तो पता होना चाहिए। मेडिकल के लिए नहीं कह सकते, मेडिकल में तो कुछ भी हो जाता है ना आजकल, तो वो ध्यान रखना, लेकिन उसमें भी नॉलेज चाहिए आपको। तो हमने अभी तक क्या आपको बोर्ड पे लिखा है कि पहले सॉल्ट बना, सॉल्ट डिसोसिएट हुआ, वो तो 100% इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो एनायन है वो चला गया आपका कैथोड पे, उसका हो गया ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। अब ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, ये फ्री रेडिकल से CO2 उड़ती है, आर डॉट कंबाइन होंगे, आर डॉट इसके साथ भी, लेकिन ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ये भी साइड प्रोडक्ट बनने के लिए बेताब रहता है। क्या होता है, बेताब रहता है। अब देखते हैं कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ओके। और इसकी मैकेनिज्म तो बहुत आसान है बच्चों, ये मैं हटा रहा हूँ, और कैथोड पे किसके ऑक्सीडेशन करेंगे, सॉरी रिडक्शन करेंगे, तो हमारे पास इन्ने प्लस था और वाटर था, तो वाटर को पकड़ के कैथोड पे लपेट लेंगे। देखो कैसे कैथोड पे हमारा जो वाटर है ये चला जाएगा H2 में। अब इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने का जो तरीका, मीडियम हमारा ऑलरेडी बेसिक है क्योंकि NaOH है, तो उसमें रूल ये होता है बच्चों, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, जिधर ऑक्सीजन होता है ना उधर क्या करते हैं, उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, तो इधर ही ऑक्सीजन है तो इतने वाटर मॉलिक्यूल, मतलब एक H2 ऐड कर दीजिए, इसका डबल OH इधर ऐड कर दीजिए। चार्ज बैलेंस करते हैं तो इधर दो नेगेटिव चार्ज, तो इधर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो एनोड कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन। एनोड पे कौन सी रिलीज हो रही है, तो एक तो CO2 और इट मे बी गैसेस, ओके। तो आपको प्रोडक्ट बनाते समय बच्चों रूल ये याद रखना है, देखिए इतना सब करने के बाद भी एक हमारे पास टाइम सेविंग ट्रिक होनी चाहिए, है ना। जब डीपली पूछे तब तो आपको मैकेनिज्म आने चाहिए। तो आप इसके बाद क्या करना, इसको तरीका ये होता है, जैसे ये आर डॉट करिएगा, यहाँ से CO2 उड़ा दीजिएगा और हाइड्रोजन, ये तो दो गैस कन्फर्म है। अब ये आर डॉट को आप डिसप्रोपोर्शनेट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, तो आर डॉट मिला के 2RR बना देना आप, है ना। तो इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लिखा जाए क्वेश्चन, तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखो बच्चों हमने कुछ रिएक्शंस दिया है, इसको कंप्लीट करना है। NaOH इलेक्ट्रोलिसिस, ऑब्वियसली कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो हमने क्या बताया था आपको तरीका, कि आप पहले फ्री रेडिकल बना लेना है। तो यहाँ दो COOH हैं, तो हमने यहाँ फ्री रेडिकल बनाया, यहाँ फ्री रेडिकल बनाया, ऑब्वियसली ये कंबाइन हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं, प्लस CO2 और वाटर, सॉरी हाइड्रोजन, ये तो आपके निकलेंगे ही, आप चाहें तो इसको दिखाइए ना दिखाइए। यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने आपको तरीका बताया था कि जहाँ जहाँ CO2 ये एसिड बना दिया आपने, अब क्या होगा, यहाँ पे कंजुगेशन डेवलप हो जाएगा बच्चों, है ना। ये आप कह सकते हो कि ये चला जाएगा यहाँ और यहाँ फ्री रेडिकल आएगा और ये कंबाइन हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह से बना देते हैं कंजुगेशन, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, CH3 फ्री रेडिकल बनाए, तो CH3 प्लस H2 प्लस CO2, तो यहाँ टोटल कितनी गैसेज हैं, तीन। यही क्वेश्चन जेई में आया था एक बार। और यहाँ पे ये बेंजीन, यहाँ पे डॉट बनाएंगे, इसी तरह से यहाँ पे डॉट बनाएंगे और इन दोनों डॉट को ऐसे डंडी से जोड़ देंगे, फिर CO2
और ये तो आपका निकलेगा ही निकलेगा। ओके, तो आसान है, बहुत आसान है, बहुत सारे बना सकते हो। यहाँ पे जैसे इस तरह के हमने चारों केस अलग अलग लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ कंजुगेशन डेवलप है, यहाँ पे आपका गैस वाला केसेस, यहाँ पे रिंग बन गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी बात पे आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एनसीईआरटी के साथ टच में बने रहिए। और पीवाई की यूज़ किया करिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ज़रूर करना बच्चों, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स करोगे ना तो आपको जेई में और आईआईटी जी किसी भी पेपर में आपको नए क्वेश्चंस तो बहुत ही रेयर ही दिखेंगे, सब रिपीटेड आते हैं। कॉन्सेप्ट तो रिपीटेड रहता ही है आपका। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का कल दूसरा नाम थोड़े बना देंगे, है ना, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस थोड़े कर देंगे। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कोलबेज ही रहेगा, मैकेनिज्म सेम रहेगी, प्रोडक्ट आपके डिफरेंट हो सकते हैं, वो आपके सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। गुड लक।